राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में दो सीटों से लड़े थे, एक केरल की वायनाड सीट तो दूसरी यूपी की रायबरेली सीट, और दोनों सीटों पर राहुल गांधी को जीत मिली है। दरअसल सोमवार को राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया है, अब यहां पर उपचुनाव होगा। वहीं कांग्रेस की ओर से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाया गया है। ये उनका राजनीति डेब्यू है, जिसको लेकर कांग्रेस अलर्ट हो गई है। सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़कर रायबरेली को ही क्यों चुना, जबकि वायनाड सीट पर 2019 में जीत मिली थी और अमेठी में हार गए थे, तो इसके पीछे की कई सियासी मायने हैं। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, बल्कि यूपी की राजनीति में कई तरह की चर्चाओं का जन्म हुआ है। यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज एक सीट पर संतोष करना पड़ा था, तो वही 2022 के विधानसभा चुनाव में काफी जद्दोजहद के बावजूद यूपी की सिर्फ दो विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ चुनाव लड़कर कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं, जिसके बाद यूपी में अपनी खोई हुई राजनीति को और मजबूत करने में कांग्रेस जुट गई है। वैसे कांग्रेस पार्टी की यूपी में सक्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार यूपी में बेहद सक्रिय नजर आया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी ने भी जनता से इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील की। यही नहीं, सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को रायबरेली की जनता को सौंपने की भी बात कही थी और बेटे के लिए प्रचार भी किया था। वहीं यूपी में मिली जीत के बाद से कांग्रेस ने यूपी में और सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं जीत के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली में आभार सभा की। दरअसल 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव में भी सपा के साथ मिलकर लड़ने के संकेत दे दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को यूपी में फिर से संजीवनी मिल जाएगी। वहीं अगर सपा की ओर से विधानसभा चुनाव में बात नहीं बनी तो कांग्रेस उसकी तैयारी अभी से करने लगी है। वहीं राहुल गांधी का ये कदम न केवल उनकी व्यक्तिगत सियासी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा संदेश है। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की सियासत का राष्ट्रीय राजनीति का गहरा प्रभाव है, और राहुल गांधी का यूपी में रहकर राजनीति करना बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यूपी में बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत है और इस मजबूती को 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के जरिए तोड़ने की कोशिश करेगी। वहीं परिवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी चाह रहे थे कि राहुल रायबरेली का प्रतिनिधित्व करें। इसके अलावा रायबरेली की जीत इस लिहाज से भी बड़ी है कि परिवार ने अमेठी की खोई सीट भी हासिल कर ली है। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।